साधक के हाथ में सबसे बड़ा हथियार है विवेक। और ये विवेक पांच प्रकार का होता है, लेकिन उस पर आने के पहले हम विचारें कि ये विवेक है क्या, विवेक किसे कहते हैं। मन में कोई भाव उठा और वो भाव कई प्रकार का आया, तो जब एक से अधिक भाव आया उनको कहते हैं विचार। उसमें से एक को ग्रहण किया, जो भाव हमने, जो विचार हमने ग्रहण किए उसी को कहते हैं विवेक। और जब किसी निष्कर्ष पर पहुंच गए तो उसको कहते हैं सिद्धांत। व्यवहारिक जिंदगी में इसके अभाव में आदमी को बहुत कठिनाई होती है कि मन में द्वंद्व है कि क्या है अच्छा क्या है बुरा, ये करूं कि वो करूं कि क्या करूं। जब तक ये स्थिति बनी हुई है तब तक आदमी कुछ कार्य करने में सक्षम नहीं होता, गति उसकी बनती नहीं। इसलिए ये विवेक ही कहते हैं कि आदमी का हथियार है, जिसमें यह है उसी को ऐसा मनुष्य कहेंगे जो आदमी जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। साधक जीवन में भी ठीक यही बात है, जब उधर बूंद से निकलकर जब मन एक तरफ चलने के लिए तैयार हो जाता है तो हम कहते हैं कि आदमी विवेक से चल रहा है। ये विवेक पांच प्रकार का होता है जिसे कहते हैं विवेक पंचक। उसका पहला विवेक है विवेक पंचक का नित्यानित्य विवेक, दूसरा है द्वैता द्वैत विवेक, तीसरा है आत्म अनात्म विवेक, चौथा है पंचकोश विवेक, और पांचवा है महावाक्य विवेक। आइए पहले हम देखें कि नित्यानित्य विवेक क्या है। इसमें दो शब्द हैं, नित्य और अनित्य। परमात्मा, ईश्वर, ब्रह्म, जिन्हें हम कई नामों से पुकारते हैं, वो सत्ता एक है, वो नित्य है। नित्य माने जो सत्य है। सत्य का अर्थ कि जिसमें कोई कभी परिवर्तन नहीं हो सकता, जो अपरिणामी सत्ता है, जिसमें परिवर्तन होता है उसको नित्य नहीं कह सकते। जिसमें परिवर्तन होता है उसको सत्य नहीं कह सकते। तो केवल ईश्वर ही हैं इस सृष्टि में जो नित्य हैं। दूसरा
जगत है, संसार है, जो अनित्य है। अनित्य माने जो सत्य नहीं है, जो देश काल पात्र के हिसाब से बदलता है, जहां की हर वस्तु दैशिक, पालिक और कालिक अधीन है, जिस पर समय का प्रभाव पड़ता है, देश का प्रभाव पड़ता है, काल का प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसको अनित्य कहते हैं। इसका नाम जगत भी है, अनित्य संसार का नाम जगत भी है। जगत माने चलना, जिसमें जिसका धर्म है, जिसका स्वभाव है। यहां की कोई भी चीज स्थिर नहीं है। सूरज, चांद, सितारे सभी चलते हैं। यहां कुछ भी ध्रुव नहीं है, सभी अध्रुव है। जिसको हम ध्रुव तारा कहते हैं वो भी चलता है। तो इस ध्रुव तारे को ध्रुव क्यों कहते हैं? इसलिए इसको कहते हैं कि ये लगता नहीं है कि चलता है। तस्वीर ठीक उसी प्रकार की है, जब रोड पर दो गाड़ियां एक ही गति की आमने सामने हो जाती है तो दोनों के पैसेंजर्स एक दूसरे को देखते हैं, चाहे तो बातें भी कर सकते हैं। जब दोनों की गति एक हो तो उसमें से एक की गति मंद हो गई या गति बढ़ गई तो फिर ये दृश्य बना नहीं रहता है, बदल जाता है। तो ध्रुव तारा जिसको हम कहते हैं पोल स्टार, इसकी गति पृथ्वी की गति है। ये भी 1000 मील प्रति घंटे के चलता है, पृथ्वी की भी वही गति है। चूंकि दोनों की एक गति है इसलिए लगातार वही दिखता है, लेकिन ये पोल स्टार भी बदलते रहता है। लेकिन वो एक तारा कोई जो पृथ्वी की गति के बराबर आ गया, वही ध्रुव तारा बन गया। कहने का मतलब संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, सब चला है मार। तो चलायमान संसार है, इसका भी स्वभाव हमको स्पष्ट नहीं होता। और जो नित्य सत्ता है उसको भी हम नहीं समझ सकते। इसलिए जब नित्यानित्य विवेक हो जाता है तो स्थिति दूसरी हो जाती है, और नित्यानित्य विवेक नहीं हो तो स्थिति दूसरी है। चलायमान संसार है, इसका खेल है, इसमें हम भी खेलने लगते हैं और उस नित्य सत्ता को भूल जाते हैं। भूलने का कारण है कि चित्त की वृत्तियों के हिसाब से हम ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों से संसार से परिचित हैं। हम इसी को देखते हैं, बाहर की दृष्टि हमारी नहीं खुली, अंदर की दृष्टि नहीं खुली है, हम बाहरी दृष्टि से संसार को देखते हैं। तो अनित्य जगत में जो कुछ है वो सब अनित्य है। नित्य सत्ता केवल प्रभु है, परमात्मा है। तो ये नित्यानित्य विवेक कैसे आएगा आदमी को, प्रश्न ये है। वो नित्य सत्ता कैसे हमको समझ में आएगी,
और अनित्य संसार से हमारा मन कैसे हटेगा, ये मोह भंग कैसे होगा। संसार में सिखाने के लिए परमात्मा के बारे में, नित्य सत्ता के बारे में बहुत सारे मजहब हैं, वो अपने अपने हिसाब से ईश्वर की व्याख्या करते हैं, ईश्वर को समझाते हैं और मजहबी तरीका बतलाते हैं। समझना होगा कि मजहब और धर्म दोनों दो चीज है। धर्म है स्वभाव, नेचर। मनुष्य का धर्म है सुख की खोज, सुख की कामना। तो मनुष्य का यही स्वभाव है और सुख भी खोजता है, अनंत, उसकी डिग्री अनंत की हो, क्षणिक सुख उसको नहीं पसंद है। इसलिए बच्चा खिलौने से प्यार करता है, खेलता है, और खिलौना उसको छीन ले तो कैसा लगता है, बच्चा रोने लगता है। ठीक जीव की भी वही स्थिति है। भौतिक वस्तुएं जिससे वो आकर्षित है, जिससे उसको मोह है, जिससे उसको लगाव है, जिसको पसंद करता है, जब तक वो वस्तु उसके सामने हो तब तक उसको अच्छा लगता है, अब भूला हुआ है। लेकिन वस्तु वो भी तो देश काल पात्र से संबंधित है, उसी के वश में है। तो जिस वस्तु से हमारा लगाव है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, नियंत्रण में नहीं है, और हमको उसे हो गया मोह, वो चीज छूट गई, इसी को दुख कहते हैं। इसलिए हमारा लक्ष्य अगर अनित्य संसार की कोई वस्तु हुई तो नित्य सुख नहीं मिल सकता। अगर ये विवेक हो गया आदमी को, साधक को, कि नित्य सत्ता को छोड़कर अनित्य संसार की वस्तु मेरे जीवन की प्राप्ति का उद्देश्य नहीं हो सकता, इसलिए हमारा लक्ष्य है नित्य सत्ता की प्राप्ति, परम पद की प्राप्ति। जब ये विवेक खुल जाए और समझ में आ जाए कि नित्य क्या है, अनित्य क्या है, तब उस विवेक का नाम है नित्यानित्य विवेक। लेकिन जब तक आदमी मजहबी बना रहेगा तब तक नित्यानित्य विवेक होगा नहीं, क्योंकि जब नित्य सत्ता समझ में धर्म के माध्यम से आ जाएगी तो जो बाहरी आवरण है धर्म का वो हट जाएगा, आदमी मजहबी नहीं होकर के धार्मिक हो गया, वो मनुष्य और मनुष्य से प्यार करेगा, ना वो हिंदू रहा, ना मुसलमान रहा, ना ईसाई रहा, वो साधक बन गया, वो मनुष्य हो गया और उसकी दृष्टि सम हो गई, और वो वही संसार में मनुष्य के रूप में प्रतिष्ठित होगा और वही मानवता का कल्याण हो सकता है। इसलिए नित्यानित्य विवेक होने से केवल आदमी परमात्मा पथ पर चलने की शक्ति ही नहीं पाएगा, बल्कि वही आदमी जगत का कल्याण करने लायक बनेगा। इसलिए ये विवेक केवल तात्विक विवेचना नहीं है, ये बहुत ही व्यवहारिक है कि नित्य सत्ता
अब परिवर्तनशील सत्ता ही मेरे जीवन का लक्ष्य है और वो एक है।